बालोद जिला तंदुला नदी के तट पर बसा हुआ है, जो आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2012 से जिला मुख्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बालोद शहर की धमतरी से दूरी 44 किलोमीटर तथा दुर्ग से 58 किलोमीटर की है। इस जिले में 2 तहसील है, बालोद और गुंडरदेही। इस जिले में तहसीलों की संख्या 5 है, जिसमें बालोद, गुंडरदेही, डोंडी लोहारा, गुरूर और डोंडी है। नगर पालिका परिषद की संख्या 2 है, बालोद और दल्ली राजहरा। और इसमें नगर पंचायत की कुल संख्या है 6, जिसमें है चिखला कसा, डोंडी, डोंडी लोहारा, गुरूर, अर्जुंदा और गुंडरदेही। दोस्तों, बालोद जिले की अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 8,26,165 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,08,638 और महिलाओं की संख्या 4,17,527 है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या क्रमशः 68,431 और 2,59,043 है। इस जिले की जनसंख्या घनत्व 234 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या वृद्धि प्रति वर्ष 1.9% है। 200 प्रति हजार पुरुष में 1,022 महिलाएं हैं इस जिले में। इस जिले की प्रमुख नदी है खारून नदी, तांदुला नदी, खरखरा नदी और कोडरी नदी है। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का 27वां नंबर का जिला है और यह जब अस्तित्व में आया, यह 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आया था। इससे पहले बालोद जिला दुर्ग जिला का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, बालोद जिला के अगर पड़ोसी जिला की बात करते हैं तो उत्तर में दुर्ग जिला है, दक्षिण में धमतरी है और कुछ हिस्से में कांकेर भी है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक राजनांदगांव जिला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बालोद जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, प्रमुख फेमस जगह के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वाईफाई लैब छत्तीसगढ़ पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए बात करते हैं बालोद जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। तो दोस्तों, बालोद जिला में देखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो आइए जानते हैं कि ये चीजें कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले आता है तांदुला जलाशय बालोद। तांदुला बांध बालोद शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह जलाशय बहुत सुंदर है। यहाँ 2 जलाशय है, एक तांदुला जलाशय, एक सूखा जलाशय। दोनों जलाशय बहुत सुंदर है, दोनों जलाशय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और यह जलाशय बालोद शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलाशय को सन 1912 में बनाया गया था। यह मुख्य तौर पर सिंचाई के लिए बनाया गया था, लेकिन यह पर्यटन के दृश्य से भी एक अच्छी जगह है। यहाँ पर बरसात के समय बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। गोंदली जलाशय बालोद। गोंदली जलाशय बालोद शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जलाशय भी बहुत सुंदर है। यह जलाशय पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह जलाशय मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया था। बरसात के समय में यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा है और चारों तरफ हरियाली होती है। अगला है चितवा डोंगरी गुफा बालोद। चितवा डोंगरी बालोद शहर का एक सुंदर स्थल है। यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलता है। यह मंदिर गुफा के अंदर बनाया हुआ है। यह प्राकृतिक गुफा है। यह एक सिद्ध क्षेत्र है। यह गुफा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। यह जगह बालोद के सहगाँव के पास स्थित है। यहाँ पर आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ से आपको गोंदली जलाशय का बहुत सुंदर दृश्य को देखने को मिलता है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली भी देखने को मिलती है। अगला है देवबावली मंदिर बालोद। देवबावली मंदिर बालोद शहर का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। यह जगह प्राकृतिक भी है, क्योंकि यहाँ आपको एक सुंदर झरना देखने को मिलता है। यह जगह चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है, इसलिए आपको शांति प्रतीत होगी अगर आप यहाँ आते हैं घूमने के लिए। तो खरखरा बांध बालोद। दोस्तों, खरखरा बांध बालोद शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है और जब खरखरा बांध का पानी ओवरफ्लो होता है तो यह जलप्रपात देखने को बनता है। यह पिकनिक के लिए बेस्ट जगह है अगर बालोद जिला की बात करते हैं तो। श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम बालोद। दोस्तों, श्री पाटेश्वर धाम बालोद शहर का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। यह एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर देखने को मिलता है। यह मंदिर 108 फीट ऊंचा है और लाल पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर आपको पंचमुखी हनुमान जी देखने को मिलता है। यह जगह बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ से जंगल से भी घिरा हुआ है। दल्ली राजहरा व्यू पॉइंट बालोद। दोस्तों, दल्ली राजहरा व्यू पॉइंट बालोद शहर का एक
प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको एक सुंदर गार्डन देखने को मिलता है और महाभारत का एक सुंदर दृश्य भी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर रथ में सवार आपको भीष्म पितामह देखने को मिलता है। यहाँ से आपको बहुत सुंदर सूर्यास्त का भी दृश्य देखने को मिल जाएगा। शिया देवी मंदिर बालोद। शिया देवी मंदिर बालोद शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माता सीता जी को समर्पित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राम जी वनवास काल के दौरान यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर माता सीता जी के बहुत सुंदर प्रतिमा दर्शन देखने को भी मिलता है। यहाँ पर आपको शंकर जी, माता पार्वती जी और गणेश जी के दर्शन देखने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों अगला है गंगा मैया मंदिर बालोद। गंगा मैया मंदिर बालोद शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। यह मंदिर गंगा मैया को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में गंगा मैया की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा देखने को मिलती है। गंगा मैया गहने और आभूषण से सुसज्जित है। यह मंदिर बालोद में झलमला में स्थित है। श्री गौरैया धाम बालोद। श्री गौरैया धाम बालोद शहर के पास स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बालोद शहर के पास तंदुला नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह चौरेल गांव में स्थित है। यहां पर आपको बहुत प्राचीन मूर्ति के दर्शन देखने को भी मिलता है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बालोद जिला में बहुत सारे सुंदर दृश्य, सुंदर पर्यटन स्थल और रमणीय जगह हैं। इसमें बहरी बांध बालोद, दल्ली माइन बालोद, हकाड़ी पाट मंदिर बालोद, गरिया देव मंदिर बालोद, रानी माई मंदिर बालोद, रजही जलाशय बालोद, अमृत कुंड बालोद और भी कई दर्शनीय स्थल यहां पर स्थित हैं। तो दोस्तों बालोद जिले के बारे में इतना ही जानकारी हमारे पास है। अगर कुछ जानकारी छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम इसे ऐड करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।